फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस के ऊपर। अब आप देखिए, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि 0.2 मोलर जो सोल्यूशन है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी रेजिस्टेंस ये दी हुई है, मोलारिटी दी है, रेजिस्टेंस दी है। अब आगे द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ जो 0.5 मोलर सोल्यूशन है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.4 दी हुई है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी, यानी कि कैपा हमें दिया हुआ है 1.4 सीमन मीटर इनवर्स में दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सोल्यूशन, इसी 0.5 मोलर वाले की सोल्यूशन की, 280 ओम्स दी है। अब हमारा एम है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, किसकी, 0.2 मोलर सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी है 0.2 मोलर वाले इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। अब हमने क्या करा, मोलर कंडक्टिविटी जिसकी फाइंड आउट करनी है, पहले उसी के लिए फॉर्मूला लिख लिया, के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी की वैल्यू 0.2 है। अब हमें कैपा चाहिए। अब कैपा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए होता है, सेल कांस्टेंट। ठीक, अब कैपा चाहिए अगर फाइंड आउट करना है, तो कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट चाहिए। कंडक्टेंस का मतलब हो गया 1/r, तो 1/r 0.2 मोलर सोल्यूशन की कितनी है, दैट इज 50, तो कंडक्टेंस 1/r हो गया इंटू सेल कांस्टेंट, जो कि हमारे पास हो गया 1/50 इंटू एल बाय ए। अब अगर हमारे पास एल बाय ए आ जाता है तो कैपा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम कैपा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल कांस्टेंट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर हम 0.5 मोलर सॉल्यूशन की बात करें, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था और सेम सेल है, तो हमें बेसिकली सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम, रेशो ले लेंगे। अब 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए, लेट सपोज इसको K1 ले लिया, इसको K2 ले लिया। ठीक है, अब K2 इज इक्वल टू सी इंटू एल बाय ए हो गया, और इसमें 0.5 मोलर सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस कितनी है, 280, तो ये 1/280 हो गया इंटू एल बाय ए, K2 हो गया। ठीक, और इसमें K2 हमें कितना दिया हुआ है, 1.4 सीमन मीटर इनवर्स, तो ये 1.4 हो गया 1/280 इंटू एल बाय ए। अब मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और वो सेकेंड है। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, ठीक, अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2/1, तो K1/K2 हो गया। ठीक है, अब K1/K2 अगर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 280/50। ठीक, तो यहाँ से K1 हमारे पास कितना आ गया, 280 इंटू K2 हमारे पास कितना है, 1.4 by 50। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो K1 आ जाएगा। अब इस K1 का वही यूनिट आएगा जो K2 का था, जो कि कितना था, सीमन मीटर इनवर्स, सीमन मीटर इनवर्स। जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कैपा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, तो ये याद रखो, ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कैपा का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रखते हो। ओम इनवर्स मतलब सीमंस हो गया, तो यहाँ पे मीटर को किस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो K1 हमारे पास आ गया 280/50 इंटू 1.4 इंटू हमारे पास कितना हो गया, 10^-2, ये हमारे पास हो गया। अब इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से कैपा के लिए हम सॉल्व कर देंगे, के आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, मोलैरिटी 0.2 मोलर हम इसमें प्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी 0.0784 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे पास कैपा आ गया। हाँ भी ठीक है ये चीज़। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कैपा की वैल्यू रखी 0.0784 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2, क्योंकि हमें 0.2 मोलर के लिए मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस कितनी आ गई, 392, यानी कि 3.92 इंटू 10^2 भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमारे पास आ जाती है। फिर से देखो यहाँ पे, हमारा एम था मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो हमें उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहिए के। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या करा, K फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा, K इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। सी कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, एल बाई ए क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट होता है। अब हमारे पास सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है फॉर दी सेम सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम है, सेम सेल है तो सेल कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी दी हुई थी, 50 ओम दी हुई है, और K1 हमें फाइंड आउट करना है, हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए K1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 ओम, तो K1 हमें फाइंड आउट करना है। अब 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 280, तो 1/280 हो गया यहाँ पे, और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस K2 कितनी है, 1.4, तो यहाँ पे 1.4 1/280 इंटू एल बाई आ गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो K1 बाय K2 करेंगे तो कॉमन रेशो में सेल कांस्टेंट क्या कर गया, कट गया, तो K1 डिवाइडेड बाय K2, तो ये हमारे पास हो गया 280 बाय 50, तो K1 इससे हमारे पास आ गया, दैट इज K2 हमारा ओम सीमन मीटर इन्वर्स में है, यानी कि ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, तो ये हमारा K1 की वैल्यू आ गई। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, K1 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी आपका तभी काम करेगा अगर हमें K की वैल्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर में रखनी है, और मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में ही करना है, और उसे लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए ऊपर 1000 का फैक्टर पहले से लगा हुआ है। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl2 की, H2SO4, HCl की दी हुई है, X1, X2, X3 रिस्पेक्टिवली, और हमें फाइंड आउट करनी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4। ये कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की एप्लीकेशन है। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस BaSO4 की फाइंड आउट करनी है, जिस इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करना चाहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, ये नॉट साइन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया ऑफ BaSO4, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी हो जाएगी, सल्फेट आयन, इन दोनों आयन के सम के बराबर है। हाँ भी ठीक है, इन दोनों आयन्स के सम के बराबर है। अब ये दोनों आयन कहाँ से मिलेंगे, अब आपको रिएक्शंस को इस तरह से सोचना समझना है कि हमें अल्टीमेटली ये दो आयन का सम मिल जाए। तो अब सोचो BaCl2 आयोनाइज होके बेरियम आयन प्लस क्लोराइड आयन देता है, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, और H2SO4 जब आयोनाइज होगा 2 मोल ऑफ H+ आयन प्लस सल्फेट आयन हो जाएगा, और HCl आयोनाइज होके एक्वस सॉल्यूशन में H+ Cl- में आ जाएगा। ये 3 रिएक्शन है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करके बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन बनना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि हमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन तो ऐसा चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन तो ऐसा ऐड होंगे, मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस और इसकी मोलर कंडक्टेंस ऐड होगी। अब उसमें से हमें एच आयन और सी एल आयन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या करनी पड़ेगी, माइनस, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे BaSO4 की किसके इक्वल हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे, अगर मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें BaSO4 की फाइंड आउट करनी है तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन को तो ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस और इसकी मोलर कंडक्टेंस आपस में क्या कर जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसमें से एच आयन और सी एल माइनस को क्या करना है, माइनस। जब ये दोनों रिएक्शन ऐड करेंगे तो उसमें 2H+2Cl- आ जाएगा, मतलब HCl को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट BaCl2 की हमारे पास कितनी दी हुई है, दैट इज X1, ये दी हुई है, और H2SO4 की दी हुई है हमारे पास X2, माइनस उसमें क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ दी X3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, X1+X2-2X3, तो दिस इज दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दी BaSO4, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, ठीक है, को समझ आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, ठीक है।
अब देखिए, हम हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू प्लेट एन एरिया ऑफ 10 बाय 10 सेंटीमीटर, ये एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टू ए थिकनेस हमें कितनी दी हुई है उसकी, जो प्लेट की 10 मीटर पर माइनस 2 सेंटीमीटर यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने का मतलब हमें क्यों फाइंड आउट करना है। अब आप देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसके हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड मतलब क्यों फाइंड आउट करना है, क्यों फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यूनिटरी मेथड है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए, मतलब 60 कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए ऐसे देखिए 2 फेराडे चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए कि इस एरिया पे कितना मास है तो उस मास को डिपॉजिट करने के लिए कितनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या कितने कूलम चाहिए निकाल लेंगे। फिर से देखो, बेस लाइन आपकी ये है, 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम डिपॉजिट जब होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 2 फेराडे का मतलब हो गया 2 × 96500 कूलम चार्ज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया है, तो उससे मास आ जाएगा कि उतना मास डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने क्यू की चाहिए जरूरत है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको समझ आ गया कैसे प्रोसीड करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी हमारे पास है 8.94 और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया हो गया 10 × 10 100 हो गया एरिया, थिकनेस 10⁻²² हो गई विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द कॉपर टू बी डिपॉजिटेड। तो मास हमारे पास आ गया 8.94 ग्राम, इतना मास कॉपर का हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है ये चीज़। और 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए इतने कूलम लगते हैं, तो 8.94 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम लगेंगे यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन तो हमारे पास है ही पहले से 63.5 ग्राम की, अब हमें फाइंड आउट करना है। फिर से देखो, 63.5 ग्राम कॉपर अगर डिपॉजिट होता है तो उस केस में 2 × 96500 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो 8.94 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम पड़ेगा, 2 × 96500 / 8.94, इतने कूलम की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब कितने कूलम की जरूरत पड़ेगी, 27172 कूलम। ये देखो, फिर से देखो, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए इतने कूलम की जरूरत है, तो 8.94 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम की जरूरत पड़ेगी, यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लो आपको। तो हमारे पास इतने कूलम की रिक्वायरमेंट होगी। आपको सीधा समझ आ गया कि ये बेसिक लाइन है आपकी, 63.5 ग्राम के लिए 2 फेराडे लगते हैं, तो 8.94 ग्राम के लिए कितने फेराडे लगेंगे ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए इसका ऑल्टरनेट मेथड शॉर्टकट, अगर आपको समझ आता है तो ध्यान से देखिए। ये Q इक्वल टू NF जो होता है, ये हमेशा फॉर्मूला लगता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज नीडेड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना क्वांटिटी चार्ज की लगेगी, 2 फेराडे लगेगी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये NF लिखती हूँ तो इसका मतलब 2 फेराडे से कितने मोल डिपॉजिट होंगे, 1 मोल। और हमें डिपॉजिट कितना करना है, हमने जो मास फाइंड आउट किया है वो मास हमने फाइंड आउट किया 8.94 ग्राम। इतने मास को डिपॉजिट करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, यानी कि मोल कितने हो गए मेरे पास, 8.94 डिवाइडेड बाय 63.5। तो इतने मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, ये NF 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताता है। तो अगर आपको N-मोल मतलब ये हो गया 0.5 मोल, 0.2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, उसको डिपॉजिट के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, तो Q- मान लो ये 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय N- कर लिया, तो ये हमारे पास हो गया दैट इज 2 फेराडे मल्टीप्लाइड बाय 8.94 डिवाइडेड बाय 63.5। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता Q- यहाँ से, आपको यूनिटरी मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप फिर से देख लो, क्यू इक्वल टू NF आपको जो हमेशा बताता है कि 1 मोल सब्सटेंस को डिपॉजिट या डिस्चार्ज करने के लिए कितनी कूलम की जरूरत होती है।
तो अगर हमारे पास x मोल हैं, y मोल हैं, जितने भी मोल हैं, उसको डिपॉजिट करने के लिए टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज लगेगी, तो एक मोल को n डैश से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 8.94 डिवाइड बाय 63.5, तो आपके पास आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ चार्ज नीडेड टू डिपॉजिट दैट मोल ऑफ द सब्सटेंस इन कूलम। कूलम में करने के लिए फेराडो को फिर से 96500 में क्या कर दो, चेंज कर दो, आपका आंसर इसमें एक स्टेप में आ जाएगा। अब आप देखिए, क्वेश्चन ये है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है थ्रू टू सेल्स कंटेनिंग मोल्टन एयर 2O3 एंड NaCl। ये फैराडे सेकेंड लॉ हो गया कि अगर दो सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास होता है तो नंबर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्वल एंड वेट होता है। If 1.8 ग्राम एल्युमिनियम का डिपॉजिट हुआ है एक सेल में, देन अमाउंट ऑफ सोडियम लिबरेटेड इन अनदर सेल हमें फाइंड आउट करना है, और क्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो उस केस में हमें ये पता लगाना है कि 1.8 ग्राम एल्युमिनियम को जब डिपॉजिट करा तो क्यू कितना लगा, तो वही क्यू हमारा किसके लिए लगेगा, सोडियम के लिए लगेगा। तो सोडियम के लिए अगर हमारे पास क्यू आ जाता है तो उतने क्यू से सोडियम कितना डिपॉजिट होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करा करो, फिर से देखो यहाँ पे कि 1.8 ग्राम एल्युमिनियम का डिपॉजिट हुआ है एक सेल में और क्यू सेम रखा गया है, तो अगर उतने ही क्यू से सोडियम को डिपॉजिट करा है, अब सोडियम के केस में क्यू पता है तो अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से फॉर्मूला आप क्या लगा दोगे, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू एन एफ इन टू एन डैश, ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। और एल्युमिनियम के लिए ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एल्युमिनियम, ये आ गया, ठीक। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमारे पास आ जाएगी, एक मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे चाहिए, उसके कितने मोल है 1.8 और उसका एटॉमिक मास 27, ये आपको गिवन होगा। यही क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसके लिए लगा, सोडियम के लिए। अब मोल्टन सोडियम मतलब Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अब सोडियम के केस में हमें क्यू डैश पहले से पता है और हमें मोल निकालने हैं उसके के कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। क्यू रखा हमने यहाँ पे 3 फैराडे इंटू 1.8 बाय 27, ये हो गया। अब एक मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे लग रहा है, 1 फैराडे लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल फाइंड आउट, मास फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इसका कितना होता है 23। फैराडे से फैराडे दोनों तरफ कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे अगर आप ध्यान से देखिए 3279.2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.6 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि दोनों तरफ क्यू सेम रखा गया है, तो क्यू आपने एल्युमिनियम के लिए निकाल दिया उसके एन डैश मोल के लिए, जितना क्यू एल्युमिनियम के लिए है उतना ही क्यू किसके लिए रखा गया, दैट इज सोडियम के लिए, तो उसको इक्वेट कर दिया। फेराडे को सिंप्लीफाई पहले रखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई क्योंकि दोनों तरफ से कट जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड आ जाएगा हमारे पास। आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमें दिया हुआ है बाय हाउ मच विल द सेल पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर चेंज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स। हमने वॉल्यूम उसका 100 टाइम कर दिया। अब पूछा गया है कि सेल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये तो दो ऑप्शन होगी। फिर अगर इंक्रीज करेगा भी तो बाय 59 से करेगा, मिलीवोल्ट से, या 29.5 मिलीवोल्ट से करेगा, और अगर डिक्रीज करा तो फिर से 59 मिलीवोल्ट से डिक्रीज करा या 29.5। तो सबसे पहले तो एक तो क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा सीधा कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। अगर सिर्फ यही होता तो हमारा आंसर तो यहीं पर आ जाता, अगर साथ में मैग्नीट्यूड नहीं दिया होता। पर अब हमें मैग्नीट्यूड से भी निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम ये इंक्रीज करेगा, 59 से या 29.5 से। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन। अब अगर हमने कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर का लेना है तो कॉपर टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर नर्नस्ट इक्वेशन लगेगी। नर्नस्ट इक्वेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट सॉलिड है तो 1 बाय कॉपर टू पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी का मतलब हो गया ये मोल बाय वॉल्यूम है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव बाय वॉल्यूम, ऐसे हमने लिख दिया। भई यहाँ मोलैरिटी होती है ना, तो मोलैरिटी को हमने लिख दिया मोल बाय वॉल्यूम। अब ई नॉट तो चेंज करती नहीं है डाइल्यूशन से, मैंने नई पोटेंशियल मान ली ई डैश, तो ई नॉट से माइनस 0.059 बाय 2 हुआ,
अब यहाँ पे लॉग ऑफ, अब नया वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 100 टाइम हो गया, पर मोल उसने क्या रखे, सेम रखे, क्योंकि डाइल्यूशन जब आप करते हो तो मोल तो चेंज करते नहीं हो। अब फाइनल ई डैश माइनस ई, अगर हमें ये निकालना है कि ये इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पहले आप ये चीज़ तो पहले से ही निकाल लो, ये बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अब ये बताओ, ये यहाँ पे लॉग 100 आ गया, ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई, तो लॉग पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये बढ़ जाता है, अब बताओ यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू बढ़ गई, तो डिफरेंस क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। डिफरेंस कम होने का मतलब ई डैश की वैल्यू ई से क्या आएगी, छोटी आएगी। ई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, इसका ई नॉट जो है 0.34 वोल्ट है, ई नॉट कॉन्स्टेंट है। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी तो डिफरेंस छोटा आएगा, ई डैश की वैल्यू ई से कम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली डाइल्यूशन करने पे ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज बाय 59 है या 29.5 मिली वोल्ट है, वो निकालना पड़ेगा। आपको बात तो समझ आ गई ना कि ये डिक्रीज करेगा। जब हम इनको ई डैश माइनस ई करेंगे, अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीज करा, पॉजिटिव आए तो इंक्रीज करा। तो ई डैश माइनस ई करा हमने, तो 0.059 बाय 2, ये चीज़ को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ वी बाय मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, इसको हमने खोल लिया, तो प्लस लॉग ऑफ वी बाय मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ये हो गया। ये दोनों टर्म कट गई आपस में, ये माइनस लॉग 100 बचा, तो जो कि लॉग 100 मतलब 10^2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और लॉग 10 1 होता है, तो 2 का फैक्टर बाहर आ गया, तो माइनस 0.059 बाय 2 हो गया ये चीज़। और ये मैंने आपको समझा दिया लॉग 100 का मतलब कितना हो गया, 10^2, तो 2 लॉग 10 हो गया, और इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। 0.059 का मतलब कितना हो गया, 59 मिली वोल्ट, इट मीन्स इट इज डिक्रीजेज बाय 59 मिली वोल्ट। आपको समझ आ गई बात, ये चीज़ कैसे करना है, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।